मैं भारत हूँ, संपूर्ण भारत। भारत की भूमि मेरा शरीर है, कन्याकुमारी मेरे चरण, हिमालय मेरा मस्तक है। मेरी केसावलियों से गंगा प्रवाहित होती है, मेरे मस्तक से ब्रह्मपुत्र और सिंधु निकलती है। कोरोमंडल मेरा दायना और मालाबार मेरा बायां पैर है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग मेरी भुजाएं हैं। इन दोनों को मैं मानवता के आलिंगन के लिए फैलाता हूं। मैं चलता हूं तो अनुभव करता हूं कि भारत चल रहा है, मैं बोलता हूं तो अनुभव करता हूं कि भारत बोल रहा है, और मैं सांस लेता हूं तो अनुभव करता हूं कि भारत सांस ले रहा है। दोस्तों, यह विचार थे सन 17 अक्टूबर 1906 को हमारी टिहरी गढ़वाल के गंगा के जल में जल समाधि लेने वाले स्वामी रामतीर्थ जी के, जिन्हें बादशाह के नाम से जाना जाता था, जिन्हें वेदांत का ज्ञाता कहा जाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं डेडिकेशन हब की इस उत्तराखंड विभूति सीरीज में। इस सीरीज के तहत उत्तराखंड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वामी रामतीर्थ जी के बारे में। आज हम जानेंगे तीर्थ राम से स्वामी रामतीर्थ बनने की कहानी। तो दोस्तों, स्वामी रामतीर्थ जी का जन्म आज के ही दिन यानी 22 अक्टूबर को 1873 में पंजाब प्रांत के जिला गुंजारावाल के मुरारीवाल गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरानंद और माता का नाम निहाल देवी था। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के थे। अध्ययन के साथ साथ इनका झुकाव आध्यात्म की तरफ भी था, इसलिए कहा भी जाता है कि स्वामी रामतीर्थ ने अध्यात्म को विज्ञान की नज़रों से देखा। दोस्तों, इनका विवाह इन्हीं के गांव के समीप वीरों के ग्राम में शिवो देवी नामक कन्या से हुआ था। बात करूं इनकी शिक्षा की तो इन्होंने 1888 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और पूरे प्रांत में इनका 30वां स्थान था। इसके पश्चात इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा 1890 में उत्तीर्ण की और पूरे प्रांत में इनका 25वां स्थान था। इसके पश्चात 1883 में इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की और पूरे प्रांत में इनका प्रथम स्थान था। इसके पश्चात इन्हें 10 रुपये की छात्रवृत्ति देना भी प्रारंभ हुआ था। तो आप देख सकते हैं अध्ययन के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे थे। और इसके बाद 1895 में इन्होंने मैथमेटिक्स से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी। ये अध्ययन के साथ साथ इनका जो रुझान था वो आध्यात्म की ओर होता जा रहा था। जब ये विश्वविद्यालय में थे तो वहाँ पर ये गणित का अध्ययन तो करते थे, लेकिन इनकी विलक्षण प्रतिभा की वजह से इनके एमए के पश्चात विश्वविद्यालय में ही शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। अब ये प्रोफेसर बन गए और 1895 से इन्होंने गणित के प्रोफेसर के तौर पर कार्य करना प्रारंभ किया। अब आप अनुमान लगा सकते हैं या फिर आप लोग इस सोच में होंगे कि गणित का प्रोफेसर और आध्यात्म की ओर किस प्रकार से आगे बढ़ा। तो दोस्तों, विश्वविद्यालय में भक्ति विषय पर एक भाषण का आयोजन किया गया। इस भक्ति विषय पर इन्होंने अपने विचार रखे और इनके विचारों से बहुत से लोग मंत्रमुग्ध हुए कि एक गणित का प्रोफेसर और आध्यात्म और धर्म पर ऐसे विचार कैसे रख सकता है। इस सभा में पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी उपस्थित थे, जो इनके विचारों से काफी प्रभावित हुए। विवेकानंद जी से मुलाकात के पश्चात इनका जो रुझान था वो आध्यात्म की ओर बढ़ता गया। अब ये जीवन के महत्व, धर्म के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हिमालय की ओर आगे बढ़े। इन्होंने बहुत सी जगहों पर भ्रमण किया। इसके पश्चात तीर्थ राम को स्वामी रामतीर्थ के नाम से जाना जाने लगा। 1898 की बात है, ये भ्रमण पर ऋषिकेश के समीप थे। ऋषिकेश के समीप ब्रह्मपुरी में गंगा के तट पर गुफा पर इन्होंने तपस्या की और यहीं पर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को इन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और इसके पश्चात ये चल दिए धर्म वेदांत का ज्ञान देने लोगों को। 1901 में मथुरा में धर्म सम्मेलन हुआ और इसकी अध्यक्षता की स्वामी रामतीर्थ ने। और दोस्तों, भ्रमण करते करते टिहरी पहुंचे और उस समय टिहरी के राजा थे कीर्तिसा, और कीर्तिसा एक अनीश्वरवादी और नास्तिक राजा थे। लेकिन स्वामी रामतीर्थ से मिलने के पश्चात उनके धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था जागी और उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने स्वामी रामतीर्थ को 1902 में वेदांत और धर्म का ज्ञान देने के लिए जापान भेजा। वहां पर एक वर्ष तक रहे। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी 1893 में अमेरिका गए थे। उनके पश्चात अगर कोई दूसरा व्यक्ति वेदांत और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करने अमेरिका गया तो वह थे स्वामी रामतीर्थ। वहां पर ये 2 वर्ष तक रहे। तो दोस्तों, ये था उनका जीवन परिचय, किस प्रकार से स्वामी रामतीर्थ ने अपना जीवन व्यतीत करा, किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उनके जीवन के कुछ अनछुए प्रसंग भी हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उन्होंने बहुत से बेहतरीन विचार भी दिए, जैसे सांप्रदायिकता, जो कि आज एक बहुत बड़ी क्लिष्ट समस्या भी बन चुका है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा था कि धर्म कोई विशेष संप्रदाय मात्र नहीं है, बल्कि धर्म का मकसद है सबको समान दृष्टि से देखना, यानी सम दृष्टि से देखना। अगर आप भेदभाव करते हैं तो आप अधर्म कर रहे हैं। इसके पश्चात आज जनसंख्या वृद्धि भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा भी था, कम संतान सुखी इंसान। और उन्होंने कहा था कि जनसंख्या की जो समस्या है उसका समाधान निकाले बिना हम भारत की किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हैं।
उन्होंने कहा था कि राम मतैक्य के लिए है, यानी राम एकता के लिए है, ना कि मतभेद के लिए है। उन्होंने कहा था आज राष्ट्र को आवश्यकता है एकता और संगठन की, राष्ट्र को आवश्यकता है राष्ट्रधर्म और विज्ञान की, राष्ट्र को आवश्यकता है ब्रह्मचर्य और संयम की। दोस्तों ये थे उनके कुछ विचार। और एक छोटा सा प्रसंग जाते जाते मैं आपको बताऊंगा कि जब वे अमेरिका में थे तो उनको लोगों ने कहा कि आप अपने आप को बादशाह कहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप कि आपके पास तो दो जोड़ी कपड़े हैं और आपके पास ना राज्य है ना सत्ता है, फिर आप बादशाह कैसे हुए? स्वामी रामचंद्र जी ने एक बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए तो मैं बादशाह हूं, मैं बिना ताज का बादशाह हूं, मैं बिना वस्तुओं का बादशाह हूं। और बादशाह वो होता है जो अपने आप में बिल्कुल संपन्न हो चुका है, मैं कोई गरीब नहीं हूं जिसको कुछ पाने की लालसा हो। बादशाहों का बादशाह होना तो आसान बात है, लेकिन जिसने अपने मन पर जीत पाली वो असल बादशाह है। आप मेरी नजरों में देखो, आप मेरे व्यवहार को देखो, मैं ही सच्चा बादशाह हूं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जवाब दिया। और ऐसे बहुत से प्रसंग है जिस वजह से लोगों ने पागल भी कहते थे, पर तब वो जवाब देते थे इन दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हम पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो दोस्तों ये थी स्वामी रामचंद्र जी के बारे में पूरी जानकारी, उनके जीवन के कुछ प्रसंग। अंत में 17 अक्टूबर 1906 को हमारा जो टिहरी गढ़वाल है यही पर उन्होंने गंगा के जल में जल समाधि ली, इसी वजह से आज टिहरी में कोटि कॉलोनी में उनकी एक प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही साथ स्वामी रामतीर्थ आश्रम समिति उनके विचारों को फैलाने का कार्य करता है और हमारे टिहरी गढ़वाल में हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के तहत स्वामी रामतीर्थ एक कैंपस बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।